उदयपुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की कार पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी, काले झंडे भी दिखाए। राधा मोहन मंगलवार रात करीब 8 बजे महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के बाहर राधा मोहन की गाड़ी को रोक लिया, उनकी कार के सामने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि जब तक राधा मोहन कांग्रेस के नेताओं को लेकर दिए गए बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वे जहां जहां जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे। दरअसल सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर बुधवार को संगठनात्मक बैठक है, इसके लिए राधा मोहन उदयपुर पहुंचे थे। सलुम्बर के बाद गुरुवार को राधा मोहन बांसवाड़ा की 84 सीट पर उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयानों के विरोध में यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार सुबह यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में राधा मोहन का पुतला फूंक कर विरोध जताया। Hello,